में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का डेट है 10 जुलाई 2021, और आज के इस एजुकेशनल वीडियो में हम कैडिला हेल्थ केयर के स्टॉक को टेक्निकली एंड फंडामेंटली एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि स्टॉक में आने वाले दिनों में किस तरीके की ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज देखने को मिल सकती है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में अगर आप देखेंगे तो 1.24% का रिटर्न इसने दिया है, और लॉन्ग टर्म के अकॉर्डिंग अगर आप कैडिला हेल्थ केयर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो लगभग आप देख रहे हैं 79.71% का रिटर्न इसने वन ईयर के इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टर्स को दिया हुआ है। जैसे कि हम देख पा रहे हैं, ये एक लार्ज कैप का स्टॉक है, और जनरली एक प्रिफरेंस दिया जाता है अगर कोई स्टॉक लार्ज कैप का है और लो रिस्क का है तो उसमें हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, एनालिस्ट सजेस्ट करते हैं कि 44% अभी भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाय करने में इंटरेस्टेड है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अगर हम देखेंगे जो लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर है 2020-2021 का, तो रेवेन्यू में 5.38% का ग्रोथ है और कंपनी का जो प्रॉफिट है उसमें 77.31% का हमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। डिविडेंड की भी बात कर लेते हैं, यहाँ पे किस तरीके का कंपनी का डिविडेंड पैटर्न है, और डिविडेंड को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे 28 जुलाई 2021 का एक्स डेट दिया हुआ है, और ₹3.50 का जो है वो कैश डिविडेंड यहाँ पे फाइनल हमें देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं क्वार्टरली रिजल्ट की, तो क्वार्टरली रिजल्ट को अगर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं मार्च के जो क्वार्टर में कंपनी का जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस था वो मार्च 21 के जो क्वार्टरली रिजल्ट है उसमें अच्छा खासा रेवेन्यू एंड नेट इनकम में हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। अब चलते हैं हम टेक्निकल एनालिसिस के लिए चार्ट की ओर, और जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये कैडिला हेल्थ केयर का डेली चार्ट है। इस डेली चार्ट पे यहाँ पे मैंने इस हाइस को एंड इस हाइस को कनेक्ट करके एक रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ कर लिया है, और इस लो को और इस लो को कनेक्ट करके एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ कर लिया है। अगर आप देखेंगे इसको गौर से तो यहाँ पर एक फ्लैग का पैटर्न बन रहा है, ये उसका एक अप मूव था कैडिला हेल्थ केयर में जो हमें देखने को मिला, और उसके बाद अभी अगर इस पूरे पिक्चर को देखेंगे तो यहाँ पर एक फ्लैग का जो पैटर्न है वो यहाँ पर प्रिंट होता हुआ नजर आ रहा है। अब ये फ्लैग डाउन साइड ब्रेकआउट आएगा कि अपसाइड ब्रेकआउट आएगा ये तो हमें आने वाले दिनों में ही पता चलेगा, बट जब तक इस सपोर्ट प्राइस के पास में जब तक प्राइस आएगा 608 के पास, तो यहाँ पे हम एक स्विंग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। टारगेट होगा 650 एंड 655 रुपीज का। तो ये था कैडिला हेल्थ केयर का टेक्निकल एनालिसिस। थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो। कंटेंट आपको पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और मल्टीबैगर स्टॉक, पोजिशनल ट्रेड, स्विंग ट्रेड, इंट्राडे ब्रेकआउट ट्रेड ऐसे हाई प्रॉफिटेबिलिटी ट्रेड सेटअप के लिए हमें ज्वाइन करें।